अष्टमेधाम अष्टधातुम अष्टचक्रम यद पुरुषः। आठ चक्र होते हैं शरीर में अनिल जी, और नौ दरवाजे होते हैं जो काम करते हैं। अथर्वेद में मंत्र है अष्टचक्राम नवद्वाराम देवानाम परयुद्धयाम। देवों की पुरी, देवों की नगरी वो अयोध्या। कौन सी अयोध्या? जिसमें देवता रहते हैं वो कैसी है? तो अथर्वेद के भगवान कहते हैं अष्ट चक्र नवद्वारा, आठ चक्र वाला नौ दरवाजे वाला महल है, उसमें सब देवता निवास करते हैं। कौन कौन से देवता? माने सब। आंखों में कौन से देवता रहते हैं? सूर्य देवता। ये अद्भुत है बिहार के लोगों के लिए। गया वालों ध्यान से सुनो, आंखों में कौन सा देवता रहता है? सूर्य देवता। शर्मा जी, शाम को सूर्य चले जाते हैं तो आंखों से दिखना भी बंद हो जाता, फिर हम लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं। सूर्य नहीं है तो सूर्य का ही कोई अंश जला के रात में काम चलाते हैं। पहली बार सुना है कि आंखों का स्वामी सूर्य है। इसीलिए आंखें कभी कमजोर ना हो तो हमें सूर्य से पहले ही आंखों को रात से सुबह खोल लेना। हाँ, आइडिया अब समझ में आया क्यों जल्दी जगना चाहिए। आंखें सुबह खुल जाती हैं भगवान के आने से पहले, तो चार्जिंग हो जाती है। जो जिसका स्वामी है उसी से ही ऊर्जा मिलेगी। अलग से नहीं ला सकते आप। हाँ, बैटरी से बैटरी चार्ज हो जाती है, पर इस बैटरी से इस बैटरी को चार्ज करना है तो चार्जिंग देने वाली बैटरी की पावर अधिक होनी चाहिए। मोबाइल की बैटरी और मोबाइल की बैटरी दोनों जोड़ दो, कभी चार्ज नहीं होंगे। मोबाइल की बैटरी का चार्जर लोग आजकल हाथ में लेके घूमते हैं, बैटरी होती है, जब चाहे तब उसमें लगा लेते हैं और चलता रहता, पर वो पावर ज्यादा, 10 गुनी पावर ज्यादा है उसमें, इसलिए दिन भर चल जाती है, वो मोबाइल का काम चला लेते हैं। अपने से ज्यादा पावर वाला साधु गुरु ज्ञानी आचार्य ब्राह्मण बुलाना चाहिए पूजा पाठ के लिए। अपने से ज्यादा हो, अपने से अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, कितना श्रेष्ठ हो भूल जाओ, पर अपने से हर चीज में अच्छा होना चाहिए। है पढ़ाई लिखाई चरित्र सब चीज निहारो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पावर ढूंढो, उसका स्वभाव ढूंढो, उसकी शैली जानो, कर्म करने की व्यथा शैली समझो, किस शैली से वो काम करता है। हाँ? मैं जिस दिन यहां भटक रहा था गया में, कथा की जगह के लिए कमरे के लिए हादसा हो गया ना उस दिन कुछ, तो फिर मुझे ही संभालना पड़ा। तो जहां जहां मैं गया उनको मैं ऐसा लग रहा था वैसे ही कोई तुच्छ भाई, मतलब के लिए तो हल्का ही बन के घूमना पड़ रहा है, मजबूरी। पर धीरे धीरे पता चला कि ये बकरी नहीं, ये तो बहुत बड़ा हाथी है। हमसे भूल हो गई समझने में, ये बहुत गुणों के बाद ही समझता है। जिनसे भूल हुई उनका भी कोई दोष नहीं है, उनका सौभाग्य नहीं था, पहले देखा नहीं जाना नहीं तो कैसे समझेंगे उनके तरीके से। पर कोई बात नहीं है महाराज, नारद जी किसी भी काम को करते हैं स्वयं और अकेले ही घूमते हैं। महात्मा इंद्रदेव को भी वही आदत है। ये बिल्कुल शैडो संतरी कमांडर के हम करने वाले साथ नहीं रखता, काम करने वाले भी नहीं रखता साथ में, अकेला ही काम करना पसंद है, अकेले के बल पर ही ये आनंद देना पसंद है। अरे मली मलाई पे तो सांप घुसता है, हम सांप के बच्चे कभी बनने वाले नहीं, नहीं है।